फटाफट खबरों के बाद आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं, जहां सबसे पहले आपको बता रहे हैं कानपुर की खबर। कानपुर में आईपीएल के सट्टेबाजों पर एक्शन जारी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपियों से 14 लाख कैश बरामद किया गया है। पहले भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। अब तक कुल 33 लाख रुपए कैश जब्त हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में जुड़े हुए सटोरियों के तार, जिनको खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई, सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। और अब बात नोएडा की करते हैं, जहां पर एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास मारपीट और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस के अवैध हुक्का बार और स्नूकर हाउस पर कार्रवाई की है। 5 स्नूकर हाउस, 3 हुक्का हाउस बंद कराए गए हैं और 20 से ज्यादा स्नूकर टेबल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस इलाके में पीजी और किराएदारों का वेरिफिकेशन भी किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्रवाई की गई है। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी ने थाना सेक्टर 126 के रायपुर गांव में यह अभियान चलाया, जिसके बाद ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। प्रयागराज में उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर के शूटआउट केस में पुलिस ने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर को आरोपी बनाया। हत्याकांड से पहले तीनों गुर्गे गुड्डू, शदागर और सद्दाम अतीक के बेटे अली से मिलने नैनी जेल पहुंचे थे। जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की हरकतें कैद हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जल्द ही अली और उमर पर चार्जशीट दाखिल करेगी। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18